कोहरे से भरी उस सुबह में स्कूल बस का सिर्फ हॉर्न ही सुनाई दिया। जैसे जैसे बस पास आई, उस जमी हर एक खिड़की पर सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी मेरी आंखें। उस बस स्टॉप पर खड़े एक एक सेकंड जैसे एक एक साल की तरह गुजर रहा था, और गुजरता भी क्यों ना। जिस दिन के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था, वो दिन आज ही तो था। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, हमारी इंग्लिश वाली मैम की बेटी, मेरी क्लासमेट, मेरा क्रश अदिति का बर्थडे था आज। बस के रुकते ही उसको देखने की जल्दबाजी में मैं फिसल कर गेट पर ही गिर गया। सारी बस मानो मुझ पर ही हंस रही थी। पर हम बैक बेंचर्स के साथ एक बात बहुत प्यारी है, स्कूल का पीटीआई और प्रिंसिपल भले ही हमारी जान के दुश्मन हो, पर ड्राइवर कंडक्टर से हमारी अच्छी सेटिंग होती है। अरे कलाकार आराम ते, कहते हुए हमारे कंडक्टर ने मुझे संभाला। उस हंसती हुई बस के बीच में मेरी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी। जब उसे देखा तो वही रोज की तरह, आंखों में पतला सा काजल, कंधे तक झूलते हुए बाल, स्कूल की वो वाइट शर्ट जो शायद उस पर और भी ज्यादा वाइट लगती थी, बस जो रोज जैसा नहीं था वो था उसके बाएं हाथ पर एक नई घड़ी का होना, जो शायद उसके पापा ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट की होगी, ऐसा मेरे दिल ने मुझे कहा। उसको देखते देखते उसके पास पहुंचा और उफनती हुई आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे अदिति, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। चॉकलेट पकड़ाते हुए मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया और चेहरे पर एक हल्की सी डरी हुई स्माइल जो उसे देखते ही चेहरे पर आ जाती थी, वो दो पल मुझे देखती रही और कहा, लगी तो नहीं ना। जिस तरह आंखों में आंखें डालकर उसने पूछा, दिल की धड़कनों की आवाज कानों तक आ रही थी। और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जवाब में एक लंबा सा कह दिया। मुझे उसकी आंखों में फिक्र दिख रही थी जो शायद मेरे साथ के हर लड़के को दिखती। आंखों में ही देखते हुए उसने फिर से पूछा, ज्यादा लगी? सब कुछ मानो स्लो मोशन में हो रहा था। मैं एक टक देख रहा था उसके चेहरे को, और सबसे ज्यादा धूप की एक किरण पड़ते उसके होठों को। बाहर से आती वो थोड़ी थोड़ी धूप शायद उसको और खूबसूरत बनाने के लिए ही तो आ रही थी। मुझे कोई जवाब ना देते हुए देख उसने चॉकलेट मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, थैंक यू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोलना है क्या करना है, बस उसको सुनना चाहता था किसी टेप रिकॉर्डर की तरह। अब उसको कौन समझाए कि चॉकलेट के अलावा एक ग्रीटिंग कार्ड और एक लाल गुलाब भी तो बैग में रखा है, जो देने की हिम्मत ही नहीं हो रही। दबी दबी आवाज में मैंने कहा, प्लीज अदिति रख लो। इस सवाल की प्रैक्टिस मैंने शीशे के आगे खड़े होकर नहीं की थी, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था। वो चेहरे पे हल्की सी हंसी के साथ सीधी हो गई। अदिति, ये नाम, ये चेहरा किसी च्युइंगम की तरह मेरे दिमाग में चिपका हुआ है, जितना हटाने की कोशिश करो उतना चिपक जाता है। कहीं दुबक जाना चाहता था मैं, और अदिति को भी अपने साथ छुपा लेना चाहता था, लेकिन हम जो चाहते हैं कहाँ होता है। धूप पड़ते उसके बालों को देखकर ऐसे ऐसे हजारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे। ख्यालों में तो एक अच्छा वैवाहिक जीवन भी बिता रहे थे हम, पर असलियत में बैग में रखा एक ग्रीटिंग कार्ड जिसमें डब्बे में डब्बे जैसी शायरी लिखी है,
वो देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों घर वालों से छुप के रातों को जग जग के वो ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। किसी ने सही कहा है, प्यार में बढ़ते कदम कहाँ रुकते हैं। जरूर ये प्यार अफीम जैसा होता होगा, बावला कर देने वाला। तभी तो कुछ समझ नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन सही है कौन गलत। अदिति शायद सर्दी के कारण अपनी हथेलियां रगड़ रही थी। इतने में ही अपना चेहरा मेरी ओर घुमाते हुए कहा, कुछ कहा तूने? हैप्पी बर्थडे, एक गिफ्ट और है मेरे पास जो बहुत प्यार से बनाया है। मैंने उसे कहा था या जाने खुद ही बुदबुदाया था, याद नहीं। लेकिन कहने से भी क्या ही होता। इतने में बस अपने अगले स्टॉप पर और शेखर आ गया। ये जनाब भी मेरी ही क्लास में है और मेरे अच्छे दोस्त। उसने भी आते ही अदिति को एक चॉकलेट दी और कहा, हैप्पी बर्थडे अदिति। अदिति ने भी वही किया जो मेरे साथ हुआ था, कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शेखर मेरी साइड में बैठ गया। मन तो कर रहा था इसका मुंह तोड़ दूं, क्योंकि जब आंखों पर गुलाबी पर्दा हो तो सब दुश्मन ही नज़र आते हैं। मैंने शेखर को कहा, तेरी भाभी को क्यों चॉकलेट दी तूने? तूने भी तो दी, मैंने कुछ बोला तेरे को? सीने के बीचों बीच जो ज्वाला उठा उसे कोई महसूस नहीं कर सकता शायद। अब हम दोनों की निगाहें अदिति पर चिपक गई। दुख और परेशानी बांटने के लिए शायद कोई मिल गया था मुझे। अदिति नहीं, शेखर। बस की खिड़की से सर टिकाए मैं खुद में उलझ रहा था। कभी अदिति की कही उन दो लाइनों में, तो कभी शेखर की दी हुई उस चॉकलेट में। ये मन भी कितना उलझता है, हर पल सैकड़ों सोच में, अतीत में आज में भविष्य में, किसी मकड़ी के जाले में फंसे मच्छर की तरह। उस दिन स्कूल जाकर पता लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, अक्षय, अर्जुन, पार्थ, शेखर, राहुल, छोड़ो यार, पूरी क्लास ही तो अदिति से प्यार करती है। और शायद अदिति को इस बात की खबर भी नहीं, या शायद पता हो, मुझे नहीं पता। वो गुलाब और वो ग्रीटिंग आज भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने स्कूल में वो मोहब्बत करी, और बहुत साफ मोहब्बत थी। उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार करना था उसे। वो प्यार कभी इजहार ही नहीं कर पाए, और बस आज हमारे फोन का पासवर्ड बना हुआ है। बस ऐसे ही ज़ुबैर अली ताबिश की एक नज़्म पढ़ रहा था तो अदिति की याद आई, तो सोचा आपको ये कहानी सुना दूं। ज़ुबैर अली ताबिश की बहुत प्यारी नज़्म, मोहब्बत हो गई है तुमसे, अदिति के नाम। तुम्हें एक बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शब्द, चमकते चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, ये काली रात का चल, हवा में नाचते बादल, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नजारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीची नजर करके, ये कहता हूं अभी तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे। अगर ये कहानी सुनकर आपको भी अपनी अदिति की याद आई है, अगर आपको भी उस
पाक मोहब्बत की याद आई है जो बिना किसी मकसद के आपने की थी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई कहानी और एक नई नज़्म के साथ। दिल से डिशूँ।